मैं अभी चाइना में बोली बात कर रहा हूँ या आशीषु शाशे ओवा एंड माय नेम इज सनाला चांडियो एंड वेलकम सलादीन एंड प्रोटोकॉल रजा भाई। ओ माय गॉड डिसिप्लिन ओके या नमकीन शीखे कढ़ाई है ब्राउन कढ़ाई है। ये बेवकूफ बना रहा है, ये इंसान बहुत चलाक आदमी है, ये हर किसी को अपनी बातों में फंसा देता है। आप इसकी बातों में नहीं आना, ये हमें बहुत सी बेकार चीज़ें खिला देता बातों में ला के, तो इसकी बातों में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। सलातीन होटल पे यहाँ का नमकीन गोश्त यहाँ की कढ़ाई से ज़्यादा मशहूर है, मशहूर के अलावा खाने में भी बहुत मज़े का है, बहुत लजीज है। इन दोनों दोस्तों की वजह से यहाँ पे सलातीन में आया हूँ, वैसे मुझे आना नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मेरा पेट हमेशा ख़राब रहता है। यहाँ का खाना इतना VIP है, यहाँ का खाना खाने के बाद मैं बीमार होना पसंद करता हूँ। देख लो खाना ज़रूरी है, आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा ब्राउन गोश्त ये ना दो तरीके से बनाते हैं, एक कढ़ाई में एक सीख में, तो आप बता दो। एक कढ़ाई में बनाते हैं, एक सीख में बनाते हैं। सुन लिया आपने, तो ये दो तरीके से गोश्त बनता है, एक कढ़ाई में और एक सीख में। ये भाई बता रहे हैं, अभी कोई लेडीज इनके पास आई थी, इनको सलाम किया, उसको बोला भाई वालेकुम अस्सलाम। पहले बोटी बोटी लगवाते हैं, फिर इसके जो आटिया होते हैं ना वो आखिरी में लगवाते हैं, इसलिए कि वो पहले ये लगवाते हैं कि वो जलने जावे। जो आटी पहले लगवाएंगे तो बोटी आगे लगवाएंगे तो फिर नीचे आटी वो जल जाएगी, फिर रह जाएगा बीच में। अभी ये देखो ये सारी ये सारा कमर का लगवाया इसने, अभी रान का जो है ना अलग लगा, ये देखो रान के रान का अलग है, ये रान का बोटी है, ये कमर का बोटी है। कोई रान का काट है, कोई शाम का काट है, कोई कमर का काट है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। कोई बोलते मेरे को ये बना के दे दो, कोई बोलते ये बना के दो, डलो डलवा देते उसको। हाँ ये कराची वाले लोग सब ये खाते हैं, शाम का गोश्त है कराची के लोग उसे बहुत ज़्यादा खाते हैं सीख में, और हैदराबाद वाले कमर का खाते हैं। लगने के बाद इस पर सिर्फ नमक डालते हैं ऊपर, ये सिर्फ नमक है बस, और कुछ मिलावट नहीं है इसमें, नहीं है कोई बोले कि इसमें तुम लोगों ने ये डाला हुआ है वो डाला हुआ है लाल कर, कुछ नहीं डाला हुआ है, आम नमक है ये, जैसे घरों में इस्तेमाल होता है उस पर इस्तेमाल होता है ये नमक है। नमक के बाद इसको कोले के ऊपर रखते हैं, कोले के बाद जो है ना इसके ऊपर आयल लगवाते हैं, ये इसका अपना चीज़ आयल का लगाने का, ये आयल के बाद जो है ना ये गल जाता है, गलने के बाद जो है तैयार होने के बाद इसके ऊपर काली मिर्च ऊपर डलती है, सिर्फ इसका तैयार करने का ये तरीका है बात। तो और पहले तो बगैर रायते के लोग खाते थे, बगैर रायते को कोई खाता भी नहीं है, बोलते यार अभी बोले जब गीला नहीं करे तो मज़ा नहीं आता। ब्राउन भी बनता है हमारे पास कढ़ाई में, हरी मिर्ची काली मिर्ची में ब्राउन भी बनता है, और टमाटो वाली बनती है, मसाले वाली बनती है, उसमें टमाटर डलता है, काली मिर्ची होती है, जो लाल मिर्ची मांगते तो लाल मिर्च लगवाते, जो लाल नहीं मांगते तो लाल नहीं लगवाते, सिर्फ काली और हरी इसमें डलवाते हैं हम लोग। उसमें ये सिस्टम होता है, आयल डालते हैं, आयल के साथ में नमक डालते हैं, नमक के बाद जो है ना गोश्त लाल हो जाता है, लाल होने के बाद उसके ऊपर टमाटर डालते हैं, टमाटर के बाद उसमें हरी मिर्ची डालते हैं, जब उसके टमाटर गल जाए तो गलने के बाद फिर काली मिर्ची उसमें लगवाते हैं। मुझे तो अभी से जायका आ गया, सुनते हुए मुझे मुंह में इतना जायका आ गया। ये मतलब ये देखो ये कढ़ाई है, इधर जाओ, ये देखो ये कढ़ाई ऐसी बनती है टमाटर वाली, ये टमाटर वाली होती है, ये टमाटर वाली। रजा खान भाई ने जिस तरीके से बताया है ना, हमें तो सुन के ही मजा आ गया, अभी तो खाया नहीं है, उससे पहले ही मजा आ गया, जायका आ गया। पहले हमने वाइज ओवर में खाना खाया था, अब रियल में खाना खाएंगे। मरते हैं लोग दुम्बिया वो खाने के लिए, मर जाते हैं फिर खाते हैं, कब्र में जाते हैं भाई। आप सोच रहे होंगे कि खाया जा रहा है, बता तो रहा नहीं है, मतलब ये है
कि मैं खाने में बहुत मज़ा आ रहा। मुझे भाई की फेवरेट ब्राउन बनवाता ना मुझे। मैं ब्राउन तो ही है, देख ब्राउन नहीं हो रही ये कढ़ाई। अभी हमारी कढ़ाई आ चुकी है और ये अब हम खाने के लिए तैयार हैं। ये देख लीजिए आप, मुझे क्या कढ़ाई बनाई है यार। आटंग का दूसरा नाम हला तीन की कढ़ाई यार, बहुत बहुत आला बना दी यार। ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट है गाइस मेरे लिए। खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, खाना नाराज होता है। आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए सलातीन होटल का नमकीन गोश्त। हैदराबाद आए और तुमने ये नहीं खाया तो तुम्हारा हैदराबाद आना बेकार हुआ। जो लोग फूड ब्लॉग बनाने आते हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आए नमकीन गोश्त ज़रूर खाएं। लेकिन चिकन का नहीं, गोश्त। गोश्त का मतलब क्या होता है? चिकन में क्या रुई निकलती है? चिकन गोश्त अलग होता है, बकरे का बकरे का। आए आए हाय, मैंने ये बोल दिया, बस सही है ना, चल जाएगा। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।